हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो ये लास्ट कुछ टॉपिक हैं आपके जीके के, डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, आपके टोटल 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जीके के आने हैं। 25 क्वेश्चन में लगभग आप मान के चलिए 6 से 7 क्वेश्चन ही आपके करंट अफेयर को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 17-18 क्वेश्चन आपके स्टैटिक के देखने को मिलेंगे। तो स्टैटिक में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डेफिनेटली आपको करके जाने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कितने सारे आर्टिकल्स हैं, तो ऐसे में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं। अगर आपको देखिए, मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये बोलूँगा कि आप अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और फटाफट से वो आर्टिकल लिखिए। देखिए, जितने आर्टिकल बताऊँगा एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टोटल सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो टोटल अब तक के, देखिए मैं लिखूँगा नहीं, आप सिर्फ सुन लीजिए, एज सुन लीजिए। जितने भी आपकी एज हैं वो टोटल मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बता दूंगा। देखिए, अब तक के आपके टोटल जो आर्टिकल हैं वो 443 आर्टिकल हैं, जिसमें आपके टोटल शेड्यूल 12 हैं और पार्ट्स कितने हैं 25 हैं। टोटल आर्टिकल 448 हैं। आपने 95 देखा होगा, बट एक्चुअल में क्या है, कुछ आर्टिकल के आपके पार्ट बना दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 51 है, अब आर्टिकल 51 जो है वो उसके पार्ट बना दिया आपके क्या क्या पार्ट बना दिए, जैसे आर्टिकल 51 के आपके 51A बना दिया। आर्टिकल 51 आपका क्या कहता था, प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड था आपका आर्टिकल, और ये आपका जो है वो पार्ट फोर्थ में है, जिसमें आपका आर्टिकल 36 से 51 के जो हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के हैं। तो 51 का है ए जो है वो पार्ट आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आ गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ देख लीजिएगा, जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसमें 36 से 51 आर्टिकल आते हैं, पार्ट फोर्थ होता है। ऐसे ही आपके जो टोटल आपके शेड्यूल हैं वो 12 हैं और पार्ट्स आपके 25 हैं। एक्चुअली पार्ट्स भी आपके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, जैसे आपका फोर्थ ए पार्ट है, मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे आपका फोर्थ ए पार्ट हो गया, किसमें है ये, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो पूछा जाता है, 51A पार्ट में ये आर्टिकल है, इसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। 9th का ए पार्ट, ठीक है, 9th का ए पार्ट जो है आपका म्यूनिसपैलिटीज़ से रिलेटेड आर्टिकल है ये आपका, जिसमें आपके 243 पी से लेके कौन से होते हैं, 243ZG तक होते हैं, 243ZG तक आपके ये आर्टिकल इसमें जो इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा जो आपका 9th आर्टिकल है वो वैसे तो पंचायत से रिलेटेड है आपका, पंचायत से रिलेटेड, जिसमें 243 से लेके 243O तक ये आर्टिकल आपके जाते हैं, ये आपका पंचायत से रिलेटेड है। लेकिन इसी के आगे आपके पार्ट बना दिए हैं, 9th का ए पार्ट बना दिया है और 9th का ही आपका बी पार्ट बना दिया है। तो इसमें जो ए पार्ट है आपका म्यूनिसपैलिटी से रिलेटेड है, आपका जो 9th का बी पार्ट है ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपका रिलेटेड आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आपका जो एक 14th है आपका XIVA पार्ट। तो ऐसे करके आपके टोटल जो है वो 25 बने हुए हैं, ठीक है। तो आपके टोटल जो है ये 25 बने हुए हैं। वैसे तो आपके क्या थे टोटल, आपके 22 आपको दिख रहे थे, 22 में से एक 7th पार्ट जो है वो आपका 7th पार्ट, ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट आपका रिपील कर दिया गया है, तो 7th पार्ट आपका रिपील कर दिया गया है। और 238th ये आर्टिकल है, ये भी आपका रिपील कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। तो आपका जो 22 में से रह कितने गए, आपके टोटल 21 रह गए। अब 21 में मैंने आपके टोटल जो है वो 4 बताए हैं, टोटल 4 जो आपके ऐड हो गए। 4th का ए पार्ट आपका ऐड हो गया, 9th का आपका ए और बी ऐड हो गया, और 14th का आपका ऐड हो गया। ये ट्रिब्यूनल से रिलेटेड आपका, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है आपका आर्टिकल। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, तो इतनी चीज़ आपको पता लगी। इसके अलावा आपके आर्टिकल देखिए जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो आपका सबसे आर्टिकल है, देखिए इस वीडियो में सिर्फ आपको आर्टिकल के नाम बताऊँगा, क्योंकि आर्टिकल जो अगर आपको देखना है कि आर्टिकल जो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप एक काम करिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी देख लीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट भी दिखा दूंगा, ये प्लेलिस्ट मेरी चेक कर लीजिए। यहाँ चैनल पे जाइए, यहाँ पे 37 वीडियोस हैं, जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं आर्टिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे तो इस वीडियो में आपको आर्टिकल के बारे में बताऊँगा, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इन वीडियोस में मिल जाएंगी। ये बहुत ही टाइम लगा है मुझे वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ जिन लोगों के पास टाइम अभी भी कम है, ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं इतना किया है, तो वो लोग ये छोटे छोटे क्लिप्स देख लीजिए, काफ़ी उनको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे मैं आर्टिकल एक्सप्लेन करने नहीं
एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो आप फटाफट से ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी आर्टिकल के नाम बता रहा हूँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप वीडियो में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा उन वीडियोज़ का। देखिए आर्टिकल 12 से 35 जो आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और इसमें जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, एक आर्टिकल 18 इम्पोर्टेंट है, 17 इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन मैंने उन वीडियो में कर दिया था। 14th आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 32 इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आर्टिकल 22 आपका इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 21 आपका इम्पोर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21 का ए शेड्यूल, 21 का ए पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चे के लिए। और आर्टिकल जो 22 है वो आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो उसके बाद आपका आर्टिकल 24 बहुत इम्पोर्टेंट है कि 14 साल से कम के किसी भी बच्चे को आप जो है वो एम्प्लॉय पे नहीं रख सकते, तो ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 32वां आर्टिकल जो मैंने आपको बताया वो सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक आर्टिकल 370 आपका इम्पोर्टेंट है, जिसमें जम्मू कश्मीर को आपका एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, वो आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 371 इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र गुजरात को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। 371 का ए पार्ट इम्पोर्टेंट है, बी पार्ट इम्पोर्टेंट है। 371 का ए पार्ट आपका नागालैंड से रिलेटेड स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, और 371 का बी आपका आसाम से रिलेटेड हो गया। टोटल अगर मैं कहूं कि टोटल कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक अमेंडमेंट कितने हुए हैं, तो 103 हुए हैं। 103 वाला कौन सा था, ये जो आपका EWS था। एक्चुअली जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का जो स्टेटस था, इसमें जो इनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन था, इनको इसके लिए आर्टिकल बना था 10% इसमें रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया था। एक्चुअली हुआ गया था, इसमें आर्टिकल 15 में मॉडिफिकेशन की गई थी। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया था कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, रेस, कास्ट से रिलेटेड किसी भी आधार पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उस पर ये प्रतिबंध लगाता है। तो उसी में लेकिन टाइम टू टाइम जो है वो इनके जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 15 में आपका संशोधन लेके आए हैं ये, और ये आपका जो अगर मैं बिल की बात करूं तो 124वां ये आपका अमेंडमेंट बिल है, 124th ये आपका अमेंडमेंट बिल है, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में। द बिल सीक्स टू प्रोवाइड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन। दिस बिल सीक्स टू अमेंड आर्टिकल 15 टू एडिशनल परमिट द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ EWS कैटेगरी। इसके अलावा जो आपका 102 नंबर का था, ये तो 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, लेकिन 102 नंबर का कौन सा था, वो आपका GST से रिलेटेड था। 122वां अमेंडमेंट बिल जो था वो 122वां था आपका, और 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पारित हुआ था। उसके बाद 102 नंबर का, सॉरी GST का जो है वो आपका 101 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट है, मैं गलत बोल गया, GST का 101 है, और 102 भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 102 जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अगस्त 2018 में पास हुआ था। इट प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो इसके लिए आपका किया गया था। और कौन से आर्टिकल आपके रिपील किए गए हैं, 238 और 7th पार्ट। इसके अलावा आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड आपके प्रोविजन होते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 79, 80 और 81, 79 उसे संसद से रिलेटेड था, पार्लियामेंट से रिलेटेड था, 80 आपका राज्यसभा से रिलेटेड था, और आपका 81 जो था वो आपका लोकसभा के लिए था, ठीक है, लोअर हाउस के लिए था। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आपके, जो आपके एग्जाम में जो है सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 61 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, आर्टिकल 61 जिसमें आपकी वोटिंग एज जो है वो 21 से लेकर 18 कर दी गई है। 62 अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, 69 अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, 52वां अमेंडमेंट एक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। और इसके अलावा आपका 73वां अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड है, जिसमें पंचायती राज वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। तो ये सारे आर्टिकल जो हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी हैं मैं सारे कर लीजिए। आर्टिकल 217 आपका इंपॉर्टेंट है, वो कर लीजिए। आपका आर्टिकल 100 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 आर्टिकल में क्या कहा है, 100 आर्टिकल जो है आपका दो चीज़ों से रिलेट करता है आपका। एक तो कोरम से रिलेटेड करता है कि किसी भी हाउस की सीटिंग के लिए 1/10 जो है वो मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए उस हाउस के।
और एक जो दूसरी चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी आर्टिकल 100 में, वोटिंग ऑफ द हाउसेज, मतलब क्या होता है, स्पीकर शैल हैव एंड एक्सरसाइज अ कास्टिंग ए वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, जब भी आपका टाई अप हो जाए तो स्पीकर जो है उसमें अपनी एक वोट जो है वो कास्ट कर सकता है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था कि भारत का इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट भी होता है, तो वो आर्टिकल 124 से आपका रिलेटेड था, तो ये भी आप कर लीजिए आर्टिकल 124, ये भी आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा आर्टिकल आपका 395 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका 395 है या रिपील करता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। इसके अलावा आर्टिकल, ये जो आपके तीन आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए, ये तो सभी को मैंने आपको बताए थे, आर्टिकल 352, 356 और 360, ठीक है। ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, सॉरी स्टेट इमरजेंसी, ये 352 नेशनल इमरजेंसी और 368 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेट करता है ये आर्टिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल हैं। इसके अलावा आपका आर्टिकल 143 इंपॉर्टेंट है, 143 सारे एक्सप्लेन क्यों हैं आप देख लीजिएगा। तो ये जितने भी आर्टिकल हैं ये सारे आपको कर लेने हैं, ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। तो इसके अलावा आप कर लीजिए एज, ठीक है, एज सबसे ज़्यादा आपका मेन जो है वो पूछे जाते हैं। देखिए एज का मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इन सब की एज होती है आपकी 35, राइट। उसके बाद है आपका प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर में क्या है, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है 30, और अगर वो लोकसभा का मेंबर है, लोअर हाउस का मेंबर है, तो ये आपकी है 25, इसके लिए एज होनी चाहिए, तो ये आपको कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी MLC की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 30, ठीक है, इसके अलावा आपका MLA और MP, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनके लिए आपकी होगी 25 ईयर ऑफ एज। तो ये जितनी भी कंप्लीट एज थी मैंने आपको बता दी, आपको वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर की बता दी, इसके अलावा मैंने आपको राज्यसभा की बता दी, प्राइम मिनिस्टर की मैंने आपको बता दी, MP, MLA की मैंने आपको बता दी, MLC की मैंने आपको बता दी, ये जितनी भी हैं सारी कंप्लीट हैं, ये ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आपको करनी है कि कौन किसको रेजिग्नेशन देता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो ज़रूर देखिएगा आप, सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप कंप्लीट देख लीजिए जाने से पहले। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि हमारे जो इंडिया है उसकी टोटल स्टेट अब तक कितनी है, तो टोटल अभी 29 है करंट में, और उसमें से कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनकी कैपिटल आपकी चेंज हुई है, जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की अभी कैपिटल कौन सी है, अमरावती, ठीक है, 2015 में चेंज हुई थी। इसके अलावा जो आपकी इसमें नई आपकी स्टेट निकली है तेलंगाना, 2014 में ये डिवाइड हुआ था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, तो इसकी जो राजधानी है वो हैदराबाद कर दी गई है, राइट। और IIT जो हैदराबाद है ये पहला ऐसा संस्थान बना जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्लीट कोर्स जो है वो BTech का इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। इसके अलावा आप देखिए एक छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, तो इसकी आपकी नई जो नाम रखा गया है इसका कैपिटल का, तो वो है नया रायपुर, वैसे तो रायपुर होती थी अब नया रायपुर रख दिया। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की है आपकी और जो आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, इसकी जो आपकी नई कैपिटल है वो है आपकी नया रायपुर, नया रायपुर जो आपका छत्तीसगढ़ है, राइट। तो जम्मू कश्मीर की आपकी दो कैपिटल होगी, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू, HP की आपकी दो होगी, पहले शिमला थी अब आपकी धर्मशाला भी होगी इसमें, ठीक है, धर्मशाला, राइट। और आपकी ये बता दी मैंने तेलंगाना की आपकी हैदराबाद, तो टोटल 29 आपकी स्टेट्स हैं। तो इसके बाद आपके मैं सब्जेक्ट इसमें मेंशन करता हूँ, सब्जेक्ट मैं मेंशन करता हूँ, तो देखिए ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। तो आपका जो यूनियन लिस्ट है इसमें 100 आपके सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट है पहले 66 थे आप 61 हो गए, और कॉन्करेंट आपके लिस्ट में आपके 52 सब्जेक्ट हैं। जो यूनियन वाला है इसमें सिर्फ संसद जो है वो कानून बनाती है, स्टेट वाले में विधानमंडल, लेकिन कुछ कंडीशन में उसमें पार्लियामेंट जो है वो इंटरफेयर करता है आपका, वो कौन कौन सी कंडीशन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक तो आपका नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, राज्यसभा द्वारा अगर उसको 2/3 बहुमत मिल गया हो और राज्य की अगर सहमति हो तो फिर आप संसद जो है वो यहाँ पे कानून बना सकते हो, और तीसरा आपका कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में आपका दोनों ही बनाती है, विधानमंडल भी आपका, लेजिस्लेचर भी, और आपका
ये संसद भी, लेकिन अगर इन दोनों के ऊपर किसी बिल को लेकर बहस छिड़ जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो उसमें सिर्फ पार्लियामेंट का चलेगा। इनके अलावा क्या होता है, अगर कोई भी टॉपिक है इन तीनों लिस्ट में शामिल ना हो तो उसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, रेजिड्यूरी पावर्स, ठीक है। अगर इनमें से किसी भी टॉपिक में इंक्लूड ना हो, उन पर कौन कानून बनाता है, सिर्फ संसद ही जो है वो कानून बनाती है, राइट। इसके अलावा इन पे टॉपिक बहुत पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो सब्जेक्ट मैंने बता दिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक आर्टिकल 343 भी आपका इम्पोर्टेंट है। 343 में आपका हिंदी जो है वो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, टोटल आर्टिकल बता दिए, टोटल अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से इनमें सब्जेक्ट जो है काउंट हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के जो आपके टॉपिक है। इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो ये जो शिक्षा लिखा हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट में, ये जो शिक्षा लिखा हुआ है ये एक्चुअली पहले यूनियन लिस्ट में था, फिर ये यूनियन लिस्ट में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया कॉन्करेंट लिस्ट में। तो कौन सा अमेंडमेंट किया था, 42 अमेंडमेंट में ये जो शिक्षा है वो आपका कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल हुआ था। देखिए जो यूनियन लिस्ट के मुद्दे हैं वो तो काफ़ी इजी हैं याद करने, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, बैंकिंग, जनगणना, कंसेंसस, अंतर्राज्य नदियाँ, उसके बाद स्टेट लिस्ट के आपके कृषि से रिलेटेड है पूरी, जेल, न्याय, सिंचाई, पंचायती राज, लोकसभा, लोक स्वास्थ्य। इसके अलावा आपका जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें मजदूर, आपका संगठन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, जलमार्ग, जंगल, ठीक है, ये सारे टॉपिक जो है इसमें काउंट होते हैं। इसके अलावा आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, जीआई टैग आपको कर लेने हैं, जीआई टैग के अलावा आपको कर लेने हैं एक ये जितनी भी आपकी लोकसभा की सीटें हैं अलग अलग राज्यों में, और एक राज्यसभा की आपको सीटें कर लेनी है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। जीआई टैग मैंने आपको बता दिया, नोबल प्राइज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है, सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नोबल प्राइज़ वाला आपका हो गया, जितने भी आपके नोबल प्राइज़ हैं, विनर्स हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका एशियन गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, सारी मैंने वीडियो बना दी हैं, इनमें से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यार काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आपको देख के जरूर जाने हैं। इसके अलावा ये आपका ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, मसल से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लीजिए, फ्लावर्स के पार्ट्स आप कर लीजिए, लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट मसल इन द, एक लॉन्गेस्ट मसल जरूर कर लीजिए। लार्जेस्ट मसल आपकी कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, ग्लूटियस मैक्सिमस, स्मॉलेस्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको करना है लॉन्गेस्ट कौन सी है, तो सेरिटोरियस जो है वो आपकी लॉन्गेस्ट है, तो ये आपको कर लेने हैं। इसके अलावा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ, लार्ज इंटेस्टाइन की आपकी लेंथ कितनी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की शायद 1.5 मीटर होती है आपकी लेंथ, और स्मॉल इंटेस्टाइन की काफ़ी ज़्यादा होती है, इससे मेरे ख्याल से 7 से 8 मीटर होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में देख, फ्लावर से रिलेटेड आप कर लीजिएगा, जितने भी हैं सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई हैं, फ्लावर से रिलेटेड, फ्लावर के पार्ट्स जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम पे टाइम वेस्ट मत करिए अगर आपने पहले से वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसमें काफ़ी आपका डीप चला जाएगा ये, तो मैं तो यार मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये नोट्स यार मैं बनाने लगा था लेकिन वो बना नहीं पाया एक्चुअली में, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत, कहीं मतलब इतना अच्छा अच्छा कंटेंट उसमें लिखना पड़ता है, टू द पॉइंट चीज़ें जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आती हैं, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, वो यार अगर आप कर लेते ना तो 1 महीने के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ पूरा का पूरा जीके कवर कर देते आपका इकोनॉमिक्स के नोट, हिस्ट्री के, लेकिन इन फ्यूचर मैं सारे के सारे नोट्स आप लोगों के लिए बनाऊँगा। तो ये इतनी चीज़ें यार कर लीजिए, मेरे ख्याल से बहुत सफिशिएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।